जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बलों के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। जहां शनिवार उरी में सुबह मुठभेड़ में सेना के जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया, तो वहीं आज सुबह भी जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के दरमदोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में रविवार सुबह आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने चार आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के दरमदोरा कीगम इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की घेराबंदी की। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कीगम इलाके में आतंकी ठिकाने उड़ा दिए। सैन्य बलों का आतंकवादियों के खिलाफ इलाके में ऑपरेशन खत्म हो गया है। एनकाउंटर के दौरान शुरुआत में दो चरमपंथी मारे गए थे, लेकिन बाद में सर्च ऑपरेशन में दो और आतंकियों के शव बरामद किए गए। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकवादियों की पहचान शौकत अहमद, सुहेल यूसुफ, रफी हसन और आजाद अहमद के रूप में की गई है। सभी कश्मीर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं और जाकिर मूसा द्वारा स्थापित अंसार गजवतुल हिंद से जुड़े हुए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने सूचना मिलने के बाद शोपिया इलाके में घेराबंदी शुरू की। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां भी चलाई, जिसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि छिपे हुए आतंकियों को घेरने के बाद उन्होंने गोलियां चलाई, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान और संगठन का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया था। बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के बेनियार इलाके में मारे गए आतंकवादी की पहचान लुकमान के तौर पर हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 17 जून को आतंकवादियों से एनकाउंटर के दौरान एक मेजर शहीद हो गए थे और तीन सैनिक घायल हो गए थे। एक आतंकवादी भी मुठभेड़ में मारा गया। पहले पुलिस सूत्रों ने बताया था कि अनंतनाग के बिदुरा गांव में मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन बाद में कहा कि घटनास्थल से केवल एक आतंकवादी का ही शव बरामद हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल मेजर ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। स्पेशल डेस्क टोटल।